एवरीवन, आज हम गोल्ड आर्ट बनाना सीखेंगे। गोल्ड आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने पेपर के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर लाइन ड्रॉ की है। इसके अंदर मैं आज ट्री बना रही हूँ। नीचे से थोड़ा ब्रॉड रखते हुए ऊपर जाते हुए हम इसको थिन करेंगे। यहाँ से मैं इसकी ब्रांचेस निकाल रही हूँ। रिपीट करते हुए नीचे से ब्रॉड और ऊपर की तरफ आते हुए हमें इसे थिन करना है। इसके एज पर आते हुए हमें यहाँ पर इसकी लीफ ड्रॉ करनी है। लीफ हम कुछ इस तरह का से ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार हमें अपने ट्री के चारों तरफ लीव्स बनानी है। इसके अंदर अभी हम यहाँ पर इस प्रकार एक और लीव का डिजाइन बनाएंगे। स्पेस अगर एक्स्ट्रा लगता है तो हम यहाँ पर एक और शेप करते हुए वापस डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैं ऊपर बर्ड बना रही हूँ। इधर से हम एक और लीफ निकालते हुए ब्रांचेस निकालते हुए हम इसके ऊपर भी लीफ्स बना देंगे। यहाँ जो हमने हैंडमेड पेपर लिया था, मैंने इसके ऊपर अपना कंप्लीट ट्री ड्रॉ कर लिया है। यहाँ मैंने बर्ड बनाई है, सेम पैटर्न रिपीट करते हुए ट्री और लीफ डिजाइन किया है। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। यहाँ मैं ट्री का कलर रेड कलर कर रही हूँ, बेस कलर। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं। अभी हमारा रेड कलर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने राउंड शेप में लीफ बनाई थी, इसमें हमें ग्रीन कलर करना है। यहाँ मैं सभी लीव्स को ग्रीन कलर करूंगी। कलर को प्रॉपर ड्राई होने दें, उसके बाद कलर करें। इसी प्रकार हमें अपनी बाकी बर्ड्स में भी कलर करना है। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ मैं बर्ड की पीक और पैर बना रही हूँ। आईज हम कलर ड्राई होने के बाद बनाएंगे। इसी प्रकार हम अपनी बाकी बर्ड्स को भी कलर करेंगे। अभी हमारी एक ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने अपने ट्री में लीफ बर्ड सब कंप्लीट कलर कर लिया है। गोल्ड आर्ट जैसा कि हम जानते हैं कि डॉट और डैश से बनाई जाती है। अब हम इसके अंदर डिटेलिंग करेंगे। गोल्ड आर्ट करने के लिए हम अपने ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं डिवाइड करने के लिए ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्कर भी यूज कर सकते हैं।
अभी जो हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, इसके हम मुझे दोनों तरफ हमें डॉट लगाने हैं। यहाँ मैं ब्रश से डॉट बना रही हूँ, आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। जहां भी हमने आउटलाइन ड्रॉ की है, ब्लैक कलर की लाइन की है, हमें उसके दोनों साइड डॉट्स लगाने हैं। मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अभी हमारे डॉट्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डैश बनाएंगे। डैश बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे पार्टीशन किया है, मैं इसमें दो कलर यूज कर रही हूँ। मैं एक पर्पल और येलो कलर से इसमें डैश बनाऊंगी। यहाँ हमने येलो डॉट डैश बनाए हैं। इसी प्रकार हमें अपने जो बाकी के पार्टीशन है उसी में एक गैप करते हुए हमें इस प्रकार डॉट डैश बनाने हैं। अभी मैंने यहाँ पर पर्पल और येलो कलर से डॉट एंड डैश बना लिए हैं। अब हम बर्ड के अंदर डॉट और डैश बनाएंगे। यहाँ मैं येलो कलर से डैश बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ मैं मजेंटा कलर में ब्लू कलर यूज करते हुए पहले डॉट लगा रही हूँ, उसके बाद हम डैश लगाएंगे। अभी हमारे ट्री में डिटेलिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने सभी बर्ड्स में डॉट और डैश से डिजाइन बनाया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर और डिजाइन इसमें बना सकते हैं, लेकिन गोंद आर्ट में स्पेशलिटी रहती है कि हमें डॉट और डैश का यूज करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो अपना बॉर्डर छोड़ा है, इसे मैं ब्लैक कलर से पेंट करूंगी। हमने ब्लैक कलर से बॉर्डर बना दिया है, अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अभी मैं यहाँ पर ब्लैक परमानेंट मार्कर यूज कर रही हूँ, इससे हम अपनी गोंद आर्ट जो हमने बनाई है उसकी आउटलाइन करेंगे। ये हमारी पेंटिंग बनकर तैयार है।